पहले मैं संस्कृत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। संस्कृत भारतीय महाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंदू आर्य भाषा है जो हिंदू यूरोपियन भाषा परिवार की एक शाखा भी है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म विशेषकर महायान तथा जैन मार्ग के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अधिकतर जगह और पूजा संस्कृत में ही होती है। भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषा एकता के सूत्र में बांध सकने वाली एक लौदी भाषा हो सकती है। अतः उन्होंने इस देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया था। संस्कृत बोलने वाले कुल लोग हैं 10,04,135। तो हम लोग आज संस्कृत भाषा बोलने सीखते हैं। ये भाषा स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग पुल्लिंग के प्रयोग कर रहे हैं, बोलने सीखते हैं। Hello. Hello. What is your name? My name is Alok. How are you? I am fine. अब हिंदी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप संस्कृत नमो नमः। नमो नमः। भवरी नाम किम? मम नाम आलोक कुमार यादव अस्ति। भवान कथम अस्ति? अहम कुशल अस्मि। इसका मतलब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद।